तो अब यहाँ ये बात बताई कि ये जो सृष्टि पैदा हुई जिसमें तेज अप और अन्न तीन वस्तु की प्रधानता हुई, तो अन्न से मन बना, अन्न से जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, और अप से प्राण, ये मनुष्य का जीवन जो चल रहा है। तो अब बताते हैं कि देखो जैसे संसार में प्रवृत्त करण हुआ तो अन्न पानी और गर्मी इन तीनों से सारी सृष्टि बन गई। ये जो रंग बनते हैं, जो रंग बिरंगे चित्र बनते हैं, आपको मालूम होगा तीन ही रंग छापने के समय केवल तीन रंग होते हैं, तीन रंग के, और उन्हीं को एक बार दो बार तीन बार सात रंग निकल आते हैं वो उनसे छापने पर। जो ब्लैक बनता है तीन रंग का ब्लैक बनता है और उससे चाहे जितने रंग के चित्र छापो, प्रवृत्त करना है, तीन ही चीज है। और इन तीनों चीजों का मूल क्या है, एक सत, सत ने ईक्षण किया तो तेज, तेज ने ईक्षण किया तो जल, जल ने ईक्षण किया तो अन्न, और अन्न से ये अन्न माने पृथ्वी, पृथ्वी से ये सारी सृष्टि बन गई। तो अब यदि कार्य कारण का अनुसंधान करें तो पृथ्वी जल में, जल तेज में, और तेज सत में, तेज परस्याम देवताया। अब अपने शरीर में क्या है, अपने शरीर में भी वही मिट्टी पानी और गर्मी है। देहे जीवयवासन्ति पदार्था सन्ति ते वही तेषु सर्वेषु सन्मात्र रूपत्वम् अवधार्यताम्। देह में हाथ है, पांव है, जाम है, हड्डी है, चर्बी है, कभी इस पर ख्याल जाता है? ये जो भोग की अभिलाषा होती है ना मन में, हमको याद है उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक बंबई के सेठ थे, सेठ अभी जिंदा है वो, उसका नाम रूप सब जानते हैं। उसने बाबा से एकांत में पूछा कि महाराज जब हम कोई सुंदर स्त्री देखते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हमको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बेटा जब कोई सुंदर स्त्री दिखे और स्त्री को सुंदर पुरुष दिखे तो मन ही मन, जो शरीर के ऊपर चमड़ी है ना, उसको मन ही मन हटा देना चाहिए। अब भीतर देखो चमड़ी हट गई तो क्या दिखेगा आपको मालूम है? छल 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 छल, खून है, मांस है, चर्बी है, हड्डी है, विष्ठा है, मूत्र है, और चाहे काली गम चमड़ी की स्त्री हो कि पुरुष हो, चाहे चाहे गोरी चमड़ी का स्त्री पुरुष हो, भीतर एक ही है कि नहीं? मिट्टी है, पानी है, आग है, क्या फर्क? पैकिंग बहुत बढ़िया होती है या खराब होती है, भीतर का माल बिल्कुल एक ही है, ईश्वर कृपा से बिल्कुल एक ही है। भीतर देखने पर वैराग्य होता है, बाहर देखने पर राग होता है, राग द्वेष होता है, भीतर देखने पर वैराग्य होता है। और एक जो मूल तत्व है, कारण तत्व है, उसको देखने पर उसके साथ एकता हो जाती है, बिल्कुल एकता हो जाती है, ये इसका तत्व है। तो देह में जो अवयव है, एक आपको अकबर बीरबल का किस्सा सुनाए बिना मन अभी आगे नहीं बढ़ता है। बीरबल कहीं चले गए बाहर,
और उनकी लड़की रह गई घर में, बड़ी सुंदर थी। तो अकबर जी बड़े मन चले थे, उन्होंने उसके पास खबर भेजी कि तुम हमारे पास आओ, लड़की तो आते बीरबल की बड़ी बुद्धिमान थी। उसने कहा कि जहां बना आप एक दिन हमारे घर बता दिए, हमको क्यों बुलाता है। महाराज जहां बना तो उस समय अपने आप को भूल गए थे, हो लड़की के ख्याल में मगन होते पहुंच गए उसके घर। अब उसके पास ओ तस्तरी रुमाल से ढक ढक के स्वागत में सत्कार में आने लगे। एक रुमाल हटाई, नीचे देखा, रंग में फर्क है, नींबू के रस में कोई फर्क नहीं, बेकार है ये वासना, वासना का आवेश बिल्कुल जाते। जो अपने शरीर में है वही दूसरे के शरीर, इसमें नाम और रूप में जो गुण बुद्धि है उससे राग द्वेष उत्पन्न होता है। ये बात हमको उड़िया बाबा जी महाराज के पास आने से पहले ख्याल में नहीं थी। हो अमुक आदमी अच्छा है, अमुक आदमी बुरा है, अमुक आदमी सुंदर है, अमुक आदमी क्रूर है, तो हमारा पढ़ा हुआ श्लोक हो भारवी का किराता भूमि में वसंत ही प्रेमणि गुणा न वस्तु में, जिसमें गुण मालूम पड़ता है प्रेम के कारण गुण मालूम पड़ता है, वस्तु में गुण नहीं है प्रेम में गुण है, गुण बाहर नहीं है हमारे भीतर जो प्रेम है ना वो बाहर हमको गुण दिखा देता है, और बाहर दोष भी नहीं है, हमारा जो द्वेष है वो बाहर दोष दिखा देता है। ये जो गुण और दोष का विभाग है वो प्रपंच में नहीं है, वो संसार में नहीं है, वो अपने दिल में है। जिससे अपना प्रेम है उसके दोष भी गुण मालूम पड़ते हैं, और जिससे अपना द्वेष है उसके गुण भी दोष मालूम पड़ते हैं। तो सत्य का अनुसंधान, सत्य की खोज करना चाहिए। जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है, जो अपने शरीर में है वही दूसरे के शरीर में है, जो दूसरे शरीर में है वही अपने शरीर में है। तो शरीर का नाम मन से बट्टे खाते में डालो, और शरीर का जो रूप है सकल सूरत रंग रूप कष्ट है ना, तो लकीरें ही तो खींचते हैं ना, किसी की नाक ऊंची हो गई तस्वीर बनाते हैं तो किसी की आंख बड़ी बड़ी और बड़ी कटीली बना देते हैं वो, और किसी की नाक निकाल देते हैं तोते की तरफ, किसी की चिपटी कर देते हैं। अब कहां वहां चिपटी नाक है कि नुकीली नाक है, वो तो लकीरें ही तो है ना। तो जितनी लकीर हम सन मात्र में बनाते हैं, जितनी रेखा खींचते हैं और रेखाओं में जितने रंग भरते हैं, रेखाओं को एक बार अपने मन से उचंत खाते में लिखो, बट्टे खाते में। व्यापारी लोग उचंत खाता बट्टा खाता जब अच्छी तरह जानते हैं, है ना, उसको हिसाब किताब से जरा बाहर कर दो, क्या चीज नाम और रूप। तो जितना अलगाव मालूम पड़ता है वो सब कल्पना की सृष्टि है। तो जैसे बाहर सत तत्व का विलास है विकास है, इसी प्रकार शरीर में भी सत तत्व का विलास है और विकास है। अब आओ सद वस्तु को पहचानो, सद वस्तु में बाहर और भीतर नहीं है, यह और वह नहीं है। सद वस्तु सद वस्तु सद वस्तु है, उसमें मैं और तुम नहीं है। अरे आ
तो केवल सन्मात्र जो है उसको अपने शरीर में भी पहचानो, दूसरे के शरीर में भी पहचानो। अब बोलते हैं सौम्य पुरुषस्य प्रयतः वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्याम देवतायाम। मृत्यु का दृष्टांत देके भी समझाते हैं। देखो इस मनुष्य के शरीर में भी तीन चीज है, एक तेज है, जब आदमी मरने लगता है ना और सांस मालूम नहीं पड़ती है तो देखते हैं कि शरीर में गर्मी है कि नहीं, ये देहाती बात है, हाथ में गर्मी है कि नहीं, पांव में गर्मी है कि नहीं, प्राण में गर्मी है कि नहीं। तो होता क्या है कि ये बोल चाल जो है मरने के समय वाणी मन में चली जाती है और मन सांस में लीन हो जाता है और सांस गर्मी में देखी जाती है, गर्मी है तो अभी सांस है, और वो गर्मी जो पर तत्व है सत तत्व है उसमें लीन हो जाती है। तो भौतिक तत्वम पुरा प्रोक्तम सदवक्तम देहवाज्यो, पहले ये बात समझाई कि देह में भी सद ही है, नाम रूप नहीं है, असल में सबके शरीर में एक सत है और बाहर भी मिट्टी पानी आग हवा पेड़ पौधा पशु पक्षी ये नहीं है, इनके नाम रूप का अपवाद कर दो, बट्टे खाते में डाल दो, उनका ख्याल छोड़ दो तो देखो सत्य पहचान में आवेगा। ये नाम रूप जो है वो हमारी बुद्धि को भ्रांत कर देते हैं। यदि एक सत्य को अखंड सत्य को पहचानना हो तो अपनी अकल को नाम रूप के फंदे से छुड़ाओ। तो जब मनुष्य मरने लगता है तो वाणी मन में, मन प्राण में, और प्राण जो है वो तेज में, और तेज जो है वो सत में लीन हो जाता है। सांस भी नहीं चलती है, रुई नाक पर रुई रख के देखते थे हो, पहले हम बचपन में हमने देखा है, और मरने वाले आदमी के नाक पर रुई रखते थे कि हिलती है कि नहीं हिलती है, फिर उसके शरीर को छू छू के देखते थे, हथेली से न मालूम पड़े हो तो हाथ लट के देखते थे गर्मी है कि नहीं, और गर्मी जो है एक कहाँ शांत होता है, देखो चिदाकाश में शांत हो जाता है। तो परमात्मा को ढूंढना हो तत्तेज सद वस्तु दीयते, एक सत्य है वो बहुत सूक्ष्म है, छाया के द्वारा बताया, देह के द्वारा बताया, इंद्रिय के द्वारा बताया, संपूर्ण जगत है, जगत शब्द का संस्कृत में होता है चलने फिरने वाली चीज, गच्छति इति जगत, जो चले फिरे उसका नाम होता है जगत। बदल रही है दुनिया, बदल रही है, तो सब चलने फिरने वाली चीज जो है वो जिस अणु जिस सन्मात्र जिस सूक्ष्म वस्तु में स्थित है वो अणिमा है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। एक ही चीज दो तरह से भाग रही है, फूल भी वही है और सूक्ष्म भी वही है। तो जो इंद्रिय गम्य है उसको स्थूल बोलते हैं, आंख से दिख है स्थूल है, कान से सुनाई पड़े स्थूल है, त्वचा से छुई जाए स्थूल है, जीभ से चखी जाए स्थूल है, नासिका से सूंघी जाए स्थूल है। ऐसे एक जो सत है ब्रह्म है वो तो रत्ती के समान है और ये नाम रूप जो है ये बदलने वाले हैं, इनको अध्यक्ष बोलते हैं, अधि माने ऊपर अथवा अधि माने अधिक, अस्त माने निक्षिप्त, जो चीज जितनी है जैसी है जो है
उसके ऊपर उससे अधिक जो आरोपित कर दी गई है, थोप दी गई है, उसको अध्यास कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। अध्यास होता है बुद्धि में, अध्यास माने भ्रम। अतस्मित सद्बुद्धि ही अध्याता इति असकृत अवोचामा। अध्यास वस्तु में नहीं होता, अध्यास बुद्धि में होता है। अध्यास माने भ्रम। गिरुआ कपड़ा पहने स्त्री चलती है सड़क पर, दूर से देखा तो मालूम हुआ कोई बड़े महात्मा गिरुआ कपड़ा पहने आ रहे हैं, सन्यासी जी हैं कोई, तो स्त्री में सन्यासी होने का भ्रम हुआ। भ्रम तो हमारी बुद्धि में है, स्त्री तो स्त्री है, वो तो कोई सन्यासी हुई नहीं। तो अध्यास सामने वाली वस्तु में नहीं होता है, अध्यास अपनी बुद्धि में होता है। और जो चीज जितनी हो जैसी हो उससे ज्यादा उसको है ना, ऐसी चीज उसको मान लेना जो कि वो ना हो, उसको अध्यास कहते हैं। तो ये जगत जो है ये अध्यास है, ये हमारी बुद्धि के द्वारा, इसमें ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, सूअर हो कि हाथी हो, हैं, इसमें हिंदू हो कि मुसलमान हो, ये सब भेद कहाँ है? ये सब हमारी बुद्धि के द्वारा ये अलग अलग नाम रखे हुए हैं, और हमारी इंद्रियों से दिखाई पड़ने के कारण अलग अलग रूप मालूम पड़ते हैं। यदि हम एक बार ये बाहर के नाम रूप का ख्याल छोड़कर और अपनी इंद्रियों के नाम रूप का ख्याल छोड़कर और अपने मन के नाम रूप का ख्याल छोड़कर, माने अध्यास छोड़कर, यदि अधिष्ठान वस्तु को देखें तो एक है, अद्वितीय है, ब्रह्म है। सदद्वैतम भवेत सूक्ष्मम इंद्रिया विषयत्वतः। अब बोले कि देखो, यही संपूर्ण जगत की सूक्ष्मतम अवस्था यही है, चाहे देह हो चाहे देह के बाहर हो, सबकी सूक्ष्म तन जो सत्ता है वो सत्ता नाम रूप से रहित है। अब बोले कि फिर अपना आपा अणु अणुत्वम वस्तुना प्रोक्तम यत् तत् सत्यमबाधनात् स्थूलत्वं मायया क्लृप्तम् ज्ञाने नैतस्य बाधनम् अबाध्यो यस्त एवात्मा सर्वस्य न तु कल्पितः श्वेतकेतो जगद्वैतम् तदसि त्वं न मानवः। अब देखो, सब वस्तुओं का जो सूक्ष्म स्वरूप है, जहाँ नाम और रूप नहीं है, हैं, वो है सत्य, क्योंकि उसको कोई ना नहीं बोल सकता, उसका कभी बात नहीं हो सकता। ये बाद शब्द जो है वेदांतियों का, अपवाद शब्द का तो अर्थ है उधर से ख्याल हटा लेना, बट्टे खाते में डाल देना, कुचंत माल है, इसका नाम होता है अपवाद। उसको छोड़ो भाई, ये देखो, तो बही खाता जो है ना, बही खाता पीछे देखना, पहले देखो घर में माल कितना है ना, तो फिर बही खाते में बैठा लेना पड़ता है ना उसको, कुछ ज्यादा हुआ कुछ कम हुआ, बही खाते की गलती है, माल तो घर में ज्यों का त्यों। तो अपने घर में जैसा माल है उसके अनुसार हिसाब बैठाना चाहिए। तो देखो, यदि ज्यादा मालूम पड़ता है तो उसको छोड़ करके जो माल है उसका ख्याल करो। तो अपवाद ये हुआ कि जो माल अपने पास नहीं है उसकी ओर से ख्याल हटा लो, अपना नहीं है उसकी ओर से ख्याल हटा लो, जो मैं नहीं है उसकी ओर से ख्याल हटा लो। और बाध क्या है? बाध होता है मिथ्यात्व का निश्चय। ये नहीं कि जो नहीं है तो मालूम न पड़े, इसका नाम बाध नहीं है। कहां से वेदांत पढ़ के आए भाई?
आकाश में जो नीलिमा है ये दरअसल नहीं है, मालूम पड़ती है तो मालूम करने दो, लेकिन आकाश के ज्ञान से ये निश्चय हो जाता है कि आकाश में नीलिमा नहीं है। बुद्धि में नीलिमा है, आकाश में नीलिमा नहीं है। तो ना प्रतीति तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय, जीव जगत ईश्वर ये मालूम ही न पड़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि ये जहां नहीं है वहां मालूम पड़ रहे हैं, एक सत्य अधिष्ठान है उसका। कभी बाद बाद माने मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो सकता, कौन निश्चय कर सकता है। ये सब नाम रूप जिस तत्व में प्रतीत हो रहे हैं वो नहीं है। तो बोले ठीक है, सबसे स्थूल और सूक्ष्म का भेद कैसा, यही माया है कि जो स्थूल नहीं है वो स्थूल मालूम पड़ रहा है, इसी का नाम माया है। माया उसी को कहते हैं कि जो चीज जहाँ न हो वहाँ उसको दिखा दे, इसका नाम जादू का खेल है। नियते जगत अनया, माँ या नहीं हो वो तो बच्चों की बात है, जो नहीं है उसका नाम माया, ये बच्चों की बात है। माँ या ऐसे कोई शब्द नहीं बनता है संस्कृत में। नियते अनया इति माया, जिससे मालूम पड़ता है उसका नाम था। तो बोले ये सत्य और मैं आत्मा ये क्या, बोले जो ये अणिमा है जोणिमा ऐतदात्मिदम सर्वम तत्सत्यम स्व आत्मा तत्वमसी श्वेत केतो। देखो ज्ञान कराया, ये जो संपूर्ण जगत की अणिमा है, जो सूक्ष्मतम अत्यंत सूक्ष्म जो रूप है, वही सूक्ष्म रूप सर्व के रूप में भास रहा है। तत् सत्यम वही सत्य है। बोले तो मैं क्या रहा, ऐसे बोलते हैं ये प्रश्न होता है। फिर मैं क्या हूं, एक कथा सुनाते हैं। एक बार दंडी में कभी दंडी कवि और कालिदास दोनों में विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ कि हम दोनों में अच्छा कवि कौन है। फिर निर्णय कौन करे, बोले सरस्वती के पास गए। सरस्वती निर्णय करो, तो सरस्वती ने कहा कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संतया, कभी तो दंडी है कभी तो दंडी है कभी तो दंडी है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब महाराज कालिदास को आया गुस्सा, क्रोध आया, बोले अहम रंडे करी राण मैं कौन हूँ। ऐसे महाराज सरस्वती को गाली, अरे राण मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ। और सरस्वती मुस्कुरा गई, तुम तो मदरूप हो, तुम तो मेरे स्वरूप हो, जो मैं हूँ तो तुम हो। तो बोले ये जगत क्या है, तो ये सूक्ष्मतम सत है। नाम रूप की उत्पत्ति के पूर्व संपूर्ण नाम रूप की कल्पना का अधिष्ठान, संपूर्ण नाम रूप का प्रकाशक, संपूर्ण नाम रूप की कल्पना का आश्रय भी और प्रकाशक, आत्म रूप से प्रकाशक और ब्रह्म रूप से अधिष्ठान एक है। बोले कि तब मैं क्या हूं, बोले तत्त्वमसि। बोले जी वो तुम ही हो, सत में चेतन और जड़ का भेद नहीं होता। जगत के अधिष्ठान के रूप से उसको सत कहते हैं और अंतकरण आदि के अधिष्ठान के रूप से उसको चेतन कहते हैं। जब नाम और रूप दोनों का अपवाद हो गया, जब दोनों का बाद हो गया, तो वो तन मात्र चिन्ह मात्र वस्तु जो है वो एक ही है।
कृत्स्नस्तु प्रज्ञान घन एवं श्रुति कहती है सब कुछ प्रज्ञान घन है। ब्रह्म सूत्र बोलता है आहच तन्मात्र, श्रुति साफ साफ कहती है तन्मात्र तन्मात्र चिन्मात्र दोनों शब्दों को छोड़ के सूत्र ने कहा तन्मात्र है तदेव इति तन्मात्रम, वही सत है, वही चित है, वही मैं है, वही तू है, वही ये जगत है, उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो अवाद्य है वो आत्मा है, जो अद्वैत सत है वो आत्मा है। तत्त्वमसि श्वेत केतो, श्वेत केतो वही तुम हो।